हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल चिकन। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये चार आलू कटे हुए, और ये मैंने लिया है चिकन मसाला MDH का, और ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, और ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये मैंने 8 प्याज काट लिए हैं, प्याज को बारीक, और ये 2 टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये एक दही का पैकेट लिया है मैंने। तो अब चलते हैं चिकन की तरफ। इसको मैंने 1 kg चिकन लाया था, तो उसके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो दिया है, और धो के पानी इसका निचोड़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि थोड़ा सा भी इसमें पानी ना रहे। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे अच्छे से। फिर इसमें हल्दी पाउडर, मसाले डालेंगे, फिर हल्दी पाउडर डालेंगे, और कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूँगी 1.5 चम्मच, ताकि अच्छे से कलर आए। और अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे दही। 2 से 3 चम्मच हमने डाला है दही। और अब डालेंगे इसमें नमक, 1 चम्मच नमक इसमें कम डालना है, क्योंकि फिर हम तरी में डालेंगे। तो अब इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। ये अच्छे से हमने मिला लिया। अब इसको मिला के हम इसको रख देंगे जब तक कि हमारा मसाला तैयार नहीं हो जाता। तो चलिए अब कढ़ाई डालते हैं गैस पे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब इसमें तेल डाल दिया मैंने। अब तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने ये खड़े गर्म मसाला लिया है, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, ये सब लिया है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं, तेज पत्ता, और इसमें जीरा डाल देंगे। तो अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो फिर डिसलाइक मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ओके। तब ये देख सकते हैं, ये हमारा पक चुका है। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे। ये देखिए, ये कटी हुई प्याज डाल दिया, अब वो हमारा खर, और थोड़ी सी मैंने हींग भी उसमें डाली थी, तो ये मैंने आपको बता दिया, हींग से हजम हो जाएगा, हमें पेट ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ी सी हींग भी, चिकन मटन में थोड़ा सा हींग डालना भी ज़रूरी रहता है पाचन शक्ति के लिए। तो अब ये प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे गुलाबी होने तक। मैं तो जब भी बनाती हूँ चिकन तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ, आप लोग भी डालिएगा। तो ये देखिए, ये भून चुका है। तब ये हम कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल देंगे इसमें। तो ये टमाटर मैंने डाल दिया। ये लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, ये डाल दिया मैंने। तो अब इसको अच्छे से मिला लूँगी मैं, इसको अच्छे से, धीमी आंच कर रखा मैंने अभी, नहीं तो फिर जल जाएंगे। तो अभी देखिए मिला चुकी हूँ। अब इसमें मैं नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, जितना कि आप खाते हो अपने स्वाद के हिसाब से, न ज़्यादा न कम। हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। अब इसमें मैंने ये कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि ये कम तीखा होता है, बच्चे पसंद करते हैं कम तीखा। ये मीट मसाला लिया, चिकन मसाला MDH का, तो ये मैंने सब डाल दिया है। अब ये देखिए, अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। अब ये देखिए, तेल छोड़ दिया है मैंने, खोल दिया फिर। तो अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल दूँगी, पानी डाल के फिर इसको हम अच्छे से मिला के, फिर इसको ढक दिया था मैंने। अब इसमें ये चिकन मिला हुआ डाल देंगे अच्छे से, और फिर चिकन को अच्छी से इसमें भूनना है। इतना ज़्यादा भी नहीं भूनिएगा, लेकिन इतना भूनना है जो ये मिल जाए। अब इसमें जो मैंने आलू काटे थे, 4 आलू लिए थे मैंने, और उसको 2 चीरा लगाया है मैंने, तब ये आलू भी ऐड कर देंगे। आलू से हमें पता चल जाएगा जो हमें कब उतारना है सब्ज़ी। जैसे आलू पक गया तो हम उतार देंगे इसको। तो ये देखिए, अच्छे से मिला दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के मैं कम आंच पे छोड़ दूँगी, 2 ही मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा ऐसा आ गया है, कितना सुंदर कलर आया है। तो अब इसको फिर एक बार देख लीजिए, ये भून लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए, तो अभी आलू नहीं पका है, तो अब इसमें हम तरी, थोड़ी पानी मैंने डाल दिया, थोड़ा पानी डाल के फिर मैंने 2 मिनट पकाया।
ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट। तो अगर आपको तरी कम चाहिए तो आप तरी कम डालिए, और अगर आप तरी खाने के लिए हैं ज़्यादा खाते हैं तो इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए। तो मेरे घर में तो तरी ज़्यादा खाते हैं तो मैं इसमें पानी थोड़ा और ऐड करूँगी। तरी चाहिए तो मेरा तो ये तरी वाला बना रही हूँ मैं, तरी वाले चिकन। तो ये देखिए मैंने तरी डाल दिया है पानी, तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के तेज आंच पे छोड़ देंगे। ये देखिए अब ये हमने ढक के हुआ। अब गरम मसाला मैंने लास्ट में डाला है, और ये धनिया पाउडर, धनिया पत्ता डाला है, और ये कस्तूरी मेथी थोड़ी सी डाली है। अब इन सबको मैंने डाल के अच्छे से मिला लिया है, और इसको दो, ये देखिए देख सकते हैं आप मेरा चिकन करी तैयार है बिल्कुल ढाबे स्टाइल। तो कैसी बनी है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मेरी चिकन कैसी बनी है, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, बाय बाय।